व्यू ऑफ शेल यूट्यूब चैनल जहाँ मिलता है आपको एवरीथिंग फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग एवरी डे, वो भी बिल्कुल फ्री में। आज आप दोस्तों को एक PSD टेस्ट इफेक्ट की फाइल प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप इजीली अपने टेस्ट को खूबसूरत बना सकते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरह से आप अपने टेस्ट को इजीली चेंज कर सकते हैं, वो भी वन क्लिक में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली न्यू अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप दोस्तों का पहुंचती रहे। दूसरी बात, जो दोस्त मेरी वीडियो पे नए हैं और मेरी वीडियो को पहली मरतबा देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली न्यू अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक भी पहुंचे और आप हमारी वीडियो से फायदा उठा सके। तो दोस्तों, वीडियो पर दो फाइलें मौजूद हैं, ये PSD कवर, इसके ऊपर मैं आपको एडिट करके दिखाऊंगा, और ये रही मेरी ओरिजिनल फाइल। ये मेरे पास कवर फोटो है, इसके ऊपर मैं आपको एडिट करके बताऊंगा, और ये हमारा जो है ये मेन है। डाउनलोड करने के बाद भी आपको कुछ इस तरह का ही देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं इसकी प्रॉपर्टी आपको चेक करा देता हूँ कि ये है कितना, 8.15 MB की ये टोटल फाइल है। आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरह का आपको मिलेगा। सबसे पहले आपने यहाँ से करना है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट करने के लिए डबल क्लिक, और यहाँ पे आपको शो हो रहा है एक्सट्रैक्ट टू, यहाँ पे कर देना क्लिक। यहाँ पे आपसे लोकेशन मांगेगा कि आपने किस जगह पे एक्सट्रैक्ट करना है। मैंने डेस्कटॉप पे ही करना है, आप यहाँ से चेंज ना करें तो ज्यादा बेहतर है। मैं यहाँ से करता हूँ ओके। ओके करने के बाद मेरे पास ये एक फोल्डर आ चुका है, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले हमने डाउनलोड की, डाउनलोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये हमें मिला। हम इसे ओपन करते हैं, इसे भी, और इसमें है फॉन्ट हमारा और इसमें है हमारी PSD फाइल जिसे हमने एडिट करना है। सबसे पहले हम करते हैं फॉन्ट इंस्टॉल। मैं यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ, ये फॉन्ट का नाम रेलवे हाईवे, सॉरी रेलवे हैवी, ये इस फॉन्ट है ये मेरे पास। मैं यहाँ से करता हूँ इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के लिए राइट क्लिक, और ये रहा इंस्टॉल। ये ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड है, लेकिन फिर भी मैं इसे यहाँ से यस करता हूँ, आपके पास ये कुछ नहीं आएगा। मैं यहाँ से करता हूँ बैक। बैक जाने के बाद हम जाते हैं अपनी PSD में फोल्डर में, और ये आप देख रहे हैं कि ये एक मेरे पास PSD की फाइल है, बॉर्डर टेक्स्ट इफेक्ट। हम यहाँ से करते हैं इसे ओपन। मेरे पास Adobe Photoshop ओपन है, आप डबल क्लिक करके भी इसे ओपन कर सकते हैं, और अगर नहीं तो यहाँ से इसे ड्रैग करके अपने Adobe Photoshop में ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसे ड्रैग करता हूँ इधर, ये मेरे पास ओपन हो चुकी है। अगर इस साइड में लेयर में आप देखें तो एड टेस्ट टू और एड टेस्ट वन, ठीक है, ये भी टेस्ट टू और टेस्ट वन ये ग्रुप में है, ये बैकग्राउंड वगैरह है नंबर वन नंबर टू। सो सबसे पहले हम टेस्ट नंबर वन को चेक करते हैं। यहाँ पे करना है डबल क्लिक। डबल क्लिक करने के बाद ओके, और यहाँ से पकड़ना है ये टी और इधर करना है क्लिक। याद रहे फॉन्ट को लाजमी इंस्टॉल करना है, नहीं तो आपके पास ये फॉन्ट नहीं आएगा। मैं यहाँ पे कोई भी नाम लिखता हूँ, एक मैं लिखता हूँ, मैंने लिखा तौकीर, और यहाँ से आप कंट्रोल टी की मदद से इजीली आप इसे छोटा बड़ा साइज कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसे रखता हूँ इधर और एंटर। एंटर करने के बाद कुछ भी नहीं करना। अगर मैं आपको यहाँ से लेयर में कर लेता हूँ अलहदा, ताकि आपको समझाने में आसानी रहे। ये मैंने लिख लिया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यही कुछ लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। अब हमने इसे क्या करना है, जस्ट कंट्रोल एस, कंट्रोल एस किया तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस शेड से उसने हमें बना के दे दिया, ठीक है। मैं यहां से इसे कट करता हूं। हम चलते हैं अब नीचे वाली पे, आप देख सकते हैं इसका टेस्ट जो है, इसका शेडो ये नीचे की तरफ है, सॉरी इसके ऊपर की तरफ है, ये वाला नीचे और ये इसके नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ। मैं चलता हूँ टेस्ट टू में, यहाँ से करना डबल क्लिक और ओके। फिर यहाँ से
टेस्ट और यहाँ पे करना है डबल क्लिक या माउस की मदद से इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बिलाल, ये मैंने लिख लिया और यहाँ से मैं इसे अलग कर लेता हूँ। अभी तक मैंने इसे सेव नहीं किया, ये आप देख सकते हैं ये DER लिखा हुआ है। मैं जस्ट यहाँ से करता हूँ, इसे मैं छोटा कर लूँ थोड़ा, मैं यहाँ से कर देता हूँ इसे सेव कंट्रोल S। जैसे ही हमारा कंट्रोल S कन्वर्ट हुआ तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है, और मैं यहाँ से इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है उस हिसाब से। एंटर कंट्रोल S, तो ये हमारा हो चुका। मैं यहाँ से करता हूँ इसे कट। कट करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का हमें नाम अपने शो करा रहा है, बहुत ही फंटेस्टिक किस्म का। ये आप देख सकते हैं ये नीचे शेडो और इसका जो है ऊपर शेडो। मैं जूम आउट करता हूँ और लेयर में ये टेस्ट 2 टेस्ट 1 बैकग्राउंड 1 और बैकग्राउंड 2। सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करता हूँ, ये हाइड कर दिया कुछ भी नहीं हुआ। नंबर 2 को हाइड करता हूँ कुछ भी नहीं हुआ। नंबर 3 को ऐड करता हूँ तो ये हमारा PNG में कन्वर्ट हो चुका है। और अगर मैं इसे यहाँ पे क्लिक करूँ और नीचे से मैंने 3 लेयर जो हैं वो कर लिए, ये वाइट में हो गया, और अगर ये मैं बैकग्राउंड दोबारा दूं तो कुछ इस तरह का हमें शो होगा। सो हमने इसे ट्रांसपेरेंट ही करना है तो नीचे से तीनों हमने कुछ इस तरह के कर लेने। उसके करने के बाद इससे 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 और ये 3-4 जो हमारी सिलेक्शन है हम इसे ग्रुप करते हैं या हम लेयर मर्ज करते हैं कंट्रोल ई की मदद से। कंट्रोल ई करने के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का हमें मिल रहा है, ये इजीली हम इसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसे करता हूँ मिनिमाइज, इसे भी मिनिमाइज करता हूँ, और ये रहा हमारा फोटो कवर। मैं यहाँ पे करता हूँ डबल क्लिक, ये आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ इस तरह का मेरे पास पिक्चर आ गई। अगर किसी भी भाई को ये PSD चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके मुझसे ले सकता है। सो मैं जाता हूँ अपनी उसी लेयर में, ये रही, और ये आप देख सकते हैं यहाँ से मैं इसे माउस की मदद से ड्रैग कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद इसे जूम आउट करता हूँ थोड़ा, कंट्रोल टी की मदद से आप इसे आसानी से छोटा बड़ा कर सकते हैं, और यहाँ से मैं इसे इधर ड्रैग करता हूँ थोड़ा सा, और ये आप जहां भी इसे रखना चाहें अपनी मर्जी से रख सकते हैं, और करना है यहाँ से एंटर। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं आपको किस तरह का ये कितनी खूबसूरत और अमेजिंग लग रही है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी फायदा हो। नीचे हमारा जिसका डाउनलोड का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से इसे डाउनलोड इजीली कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पे भी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी वीडियोस के हवाले से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। आई होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो, इफ यू रियली डिड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब टू माय चैनल। Thank you so much guys for watching. Love you guys.